राम नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर आप लगातार अपनी रिएक्शन सबको भेज ही रहे हैं और बहुत अच्छा। आज एक शिक्षक का मैं संदेश देख रहा था, तो उन्होंने बहुत उत्साह से हमें बताया कि जीवन बदल रहा है, परिवार के साथ वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। देखिए, जीवन के रूपांतरित होने का क्रम जितना मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, बहुत आसान नहीं है कि जीवन रूपांतरित हो जाए। और ये भ्रम भी रखना कि किसी अच्छी बात को सुनकर, किसी प्रवचन को सुनकर जीवन बदल जाएगा, हाँ एक दिशा देता है, ये बताता है कि आप ठहरिए, रुकिए, आप अभी तक जिस जीवन शैली का पालन कर रहे हैं वो शायद उस मार्ग पर नहीं ले जा रही है जहां मंजिल आपका इंतज़ार करेगी। कई बार भावावेग में किसी एक धार्मिक प्रसंग को सुनकर या किसी मन को प्रिय लगने वाले सत्संगी विषय को सुनकर हमें लगता ज़रूर है कि जीवन बदल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। मेरा अनुभव भी यही कहता है, जीवन में ऐसे कई क्षण आए हैं जब संतों को सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस सबसे जटिल प्रश्न का हल था वो शायद मिल गया। दो दिन खुमारी रही, कई बार सप्ताह भर रही, कई बार 15 दिन रही, लेकिन 15वें दिन मेरा ये भ्रम टूट गया कि इससे मेरा जीवन बदला, क्योंकि फिर वही क्रोध, फिर वही नैराश्य, फिर वही चिंता। तो इसका मतलब है कि जीवन रूपांतरण के जो टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, वो सतत रूप से जिनका अनुपालन करना बहुत आवश्यक है और विद्वान गुरु निरंतर उसके अभ्यास की तरफ आपको हमको चेताते भी रहते हैं। जैसे ध्यान एक बहुत अहम कड़ी है, प्रतिदिन इस जीवन में ऐसा कुछ घटता है जो आपको और हमको व्यथित करता है, चिंतित करता है, हम पकड़े भी जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति जो स्थिर मनोदशा में है वो हमें देखकर समझ जाता है कि हमारा चित्त इस समय चंचल है, हम किसी पीड़ा में, किसी दुख में, और वो कहता भी है कि क्यों शरद जी, थोड़े विचलित लग रहे हैं आज, आपकी आंखों में संतोष नहीं है, बेचैनी है, व्यग्रता है। या तो आप उसका कारण बता देते हैं और कई बार कारण छिपा लेते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो मुक्ति के इसी मार्ग की तरफ जाने वाला सत्य है जिसको हम सब जानना चाहते हैं। और ज्ञानी कहते हैं कि कस्तूरी मृग की तरह हमारी नाभि में ही इसका ज्ञान छिपा है, मुक्ति। कितना अच्छा हो कि हम सब उन बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएं, या उन सारी चीज़ों से ही मुक्त हो जाएं जो मन पर बहुत गहरा नकारात्मक असर डालती है। पैसे का नुकसान, समृद्धि का नुकसान, प्रियजनों से जुड़ी अप्रिय खबरें, ये सारी चीज़ें हमारी मनोदशा को तत्क्षण बदल देती हैं। और थोड़ी देर पहले वो व्यक्ति जो ज्ञान और वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो क्रोध से भरकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देता है, और हम पकड़े जाते हैं तब और शर्म आती है कि बातें तो हम इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे, चौपाई तुलसी की बार बार दोहरा रहे थे, गीता के श्लोक का वर्णन कर रहे थे, और यहाँ पकड़े गए कि भाई साहब गाड़ी आपकी चोरी चली गई, अरे बाप रे बर्बाद, कहाँ उसको लड़के को बोला है 50 बार कि वहाँ पार्क नहीं करना, वहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं, लोग हंसने लगते हैं, कुछ लोग कटाक्ष भी करते हैं, ये लोगों की मनोदशा है। आज हम जानेंगे अपने विद्वान वक्ता से कि मुक्ति का ये जो मार्ग है, बंधनों से मुक्त होना, नाना प्रकार के ही तो बंधन है ये, हम दिखते स्वतंत्र हैं लेकिन हम जकड़े हुए हैं साहब रस्सियों में। ये अदृश्य रस्सियां जो हैं, जिनको आप माया कह लीजिए, काम क्रोध लोभ मद कह लीजिए, हमारा इंच इंच जकड़ा हुआ है इन रस्सियों से, और कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। एक रस्सी कोई खींच देता है, परिस्थिति खींच देती है, मुंह के बल गिरते हैं हम। तो आज इसी पर बात करेंगे मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी, विषय आपके सामने।
आज आपकी जिज्ञासा के प्रश्न के मूल में है बंधन और मुक्ति की कथा। जीवन जो है स्टोर में बंधकर और इस स्टोर से विरक्त रहकर जी दोनों ही स्थितियों में डोलता हुआ चलता है। बोलचाल में हम कहते हैं ना क्षणम तिष्ठम क्षणम क्रोधम, थोड़ी देर में मन में बड़ी अनंत शांति हो जाती है और थोड़ी देर में हम वितृष्णा में गिर जाते हैं। मैं किसी सज्जन से मिलने उनके घर गया तो उन्होंने अपने घर में सबसे पहले मुझे वो अलमारी दिखाई जिस अलमारी में मैं कहूँ मुझे तो उतना गिनती नहीं मालूम लेकिन सैकड़ों की संख्या में उनके वस्त्र करीने से सजे हुए रखे थे, सैकड़ों के जिसको आप लोग सूट ड्रेस कहते हैं जो भी। फिर उन्होंने मुझे दूसरी अलमारी दिखाई उनके साथ उनकी गृहलक्ष्मी भी थी जिसमें सैकड़ों की संख्या में अलग अलग प्रकार के उनके भी वस्त्र सजे हुए रखे थे। मैंने कहा बड़ा दिव्य दर्शन हो रहा है। तो मैंने किसी एक वस्त्र पर यूं हाथ रखा, मैंने कहा ये हमने बनारस से लिया, हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी थी उन्होंने किसी साड़ी पर रखा ये, और ये तो मैं जब अमरावती गई थी तब लेकर आई थी। सबके साथ उनकी स्मृतियां हैं। मैंने उससे पूछा कि इसको आप कब पहनते हैं, अरे इतने में समय कहाँ मिलता है, रोज बदल बदल के पहनते हैं, उनके पास अनेकों अनेक पदत्राण हैं, अनेकों अनेक प्रक्रियाएं हैं, कितनी बढ़िया संभाल कर रखे हुए हैं। उसके साथ उनके वार्तालाप में ये भी प्रकट हुआ, उन्होंने कहा कि देखो तो आप वहाँ चुक गए थे, वो बात कर रहे थे, वो 15,000 कह रहा था, ये जिद में आ गए, इन्होंने कहा कि 13,500 लेना है, नहीं तो वो पीली वाली साड़ी और आ जाती मेरे पास। यानी वो 500 रुपए का दर्द भी उनके साथ जीवन में अभी तक विद्यमान था। वैसे ही जैसे कभी मुझे याद आता है कि मैं एक सड़क से गुजरते हुए फेरी वाले लोग एक गणेश जी बेच रहे थे, तो एक गणेश जी मुझे अच्छे लग गए, वो प्लास्टिक या किसी धातु के बने थे, अवस्था नई नई थी, पत्नी भी साथ थी, मैंने उससे कीमत में बातचीत की तो मैं जितनी कीमत कह रहा था मैंने उससे कहा नहीं भाई मैं इसको 8 रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा, वो कहने लगा कि मैं 10 रुपए में से दूंगा। मुझे स्मरण आ गया कि वो 500 रुपए में वो साड़ी वो छोड़ दी थी उनने, वो आज तक उन्हें याद है। मैंने कहा भैया चूंकि मेरा मन इसमें लगा हुआ है, पत्नी के विरोध के बाद भी मैंने उसे 10 रुपए दिए और वो लेके आ गया अपने साथ, तो मेरे मन में तृप्ति है कि मेरा मन वहाँ अटका हुआ नहीं है। संसार की विभिन्न व्यवहारिक घटनाओं में ऐसे ही हम कहीं बंधते हैं, कहीं खिंचते हैं, कहीं गिरते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे बंधन और मुक्ति कहते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं को वाशि बद्धो हि विषया अनुरागी, ये वो बंधन है। देखिए शक्ति जो है उससे उसमें शब्द लगा देते हैं तो आशक्ति बन जाता है। शक्ति सृजनशीलता के लिए मनुष्य को प्रकृति के द्वारा मिला हुआ अनुपम उपहार है, उसको आप कितना सृजनशील बनाते हैं, जब भी उसे बांध देते हैं तो वो आसक्ति बन जाती है, और जब छोड़ देते हैं तो वो सृजनशीलता में रहती है, वो पराशक्ति से आपके संबंध जोड़ देती है, फिर आप अनंत हो जाते हैं। तो आपके जीवन में बंधने के लिए बहुत सारे रस्सियां बैठी हुई है, इसलिए मेरे कृष्ण जब लीला करते हैं तो वो कहते हैं बंधन होना चाहिए, वो बंधन की भी लीला करते हैं, मेरी मैया दौड़ती है उनके पास। देखिए बंधन का भी उपयोग और सदुपयोग होता है, हम बंधन के दुरुपयोग में लगे रहते हैं। कृष्ण को बांधने दौड़ रही है मैया, कृष्ण बालक हैं चारों तरफ दौड़ रहे हैं और कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे हैं, कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा आसक्ति के पकड़ से विरक्ति बहुत दूर होती है, आसक्ति यदि चाहे भी तो विरक्ति दूर होती है, लेकिन यदि वो माँ की आसक्ति हो ममता तो फिर वो पकड़े जाते हैं, पकड़े क्योंकि ममता निर्मल होती है, तो मेरे कन्हैया दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं, देखते हैं मेरी मैया थक गई है तो पकड़ जाते हैं। फिर देखिए आप वो रस्सी उठाती है उन्हें बांधने के लिए, वो तो बंधन के तोड़ने वाले हैं, मुक्ति के प्रदाता हैं। सारे बंधनों से जो मुक्त हैं उन्हें आप कैसे बांध सकते हैं? बंधता तो जड़ है, चेतन थोड़ी बनता है। हमारी मानसिकता जब भी जड़वत होती है हम बन जाते हैं। आप मुझे बताइए जीवन के किसी भी क्रम में किसी भी समय में आपके पास मानसिक स्थिति यही होती ना कि कल मैं ये देख लूंगा, कल मैं ये कर दूंगा, कल मैं वो बता दूंगा, कल मैं इसे पहनूंगा, तो आप उस कल की प्रतीक्षा में अपनी अकल को बोझ तले दबाते रहते हैं, कल की प्रतीक्षा में। ध्यान रखिएगा तो यहाँ कल नहीं होता, जहाँ कल नहीं होता
वहाँ विरक्ति होती है, और जहाँ कल होता है वहाँ संग्रहण होता है। संग्रहण के भी दो प्रकार हैं, एक लोक संग्रहण, एक धन संग्रहण। तो जो लोग लोक संग्रहण में लगे रहते हैं वो विरक्ति पथ के पथिक हैं, और जो लोग धन संग्रहण में लगे रहते हैं वो आसक्ति पथ के पथिक हैं। ध्यान रखिएगा, लोक संग्रहण का अर्थ होता है कल्याण के लिए अपनी प्रक्रियाएं करना, सर्वस्व अपना बांट देना, जो है। किसी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कहा इतना अच्छा उपदेश तो है, वो बांटिए ना, ज्ञान बांटिए, श्रम बांटिए, जो बांटना है वो बांटिए। आप बांटने के लिए दुनिया पड़ी हुई है, वहां पर सेवा बांटिए, अपनी सेवाएं दीजिए, जाइए करिए। तो कन्हैया जब पकड़े जाते हैं तो बंधते भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, माँ यदि चाहे तो बांध लेती है, लेकिन माँ में आसक्ति नहीं होती क्या? माँ की आसक्ति को आसक्ति मानती नहीं है, इसलिए माँ के साथ शब्द किया जाता है ममता। उसमें तत्व होता है, ममत्व तत्व है वो। जैसे तत्व जो है परमात्मा है तत्वदर्शी, वैसे ये तत्व केवल माँ को मिला हुआ है। बहुत सुंदर सूत्र है। तो ये ममत्व है, तत्व है उनके साथ, विशेष तत्व है, ये आसक्ति नहीं है, ये आसक्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो परमात्मा जब बनते हैं तो परमात्मा का नाम होता है दाम उदर। बांधते भी कहाँ है? उदर को। हम सबको भी उदर बांध लेना चाहिए, यही है सारे रोगों की जड़। इसीलिए इसका एक सुंदर चलित नाम दिया गया है, पापी पेट के लिए। तो बांधना है तो पाप को बांधो, बांधना है तो पाप को बांधो। किस रस्सियों से बांधो? तृष्णा की रस्सियों से बांधो। किस रस्सियों से बांधो? लोकेशना की रस्सियों से बांधो। बाहर नहीं, भीतर बांधो, तो बाहर की रस्सियां फिर असर नहीं करेगी। बंधन और मुक्ति की दिशा में जो लोग चलते हैं, मुझे एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है जो पिताश्री ने मुझे कभी सुनाई थी कि एक पंडित जी जो हैं राज पुरोहित थे और राजा साहब को नित्य कथाएं सुना करते थे। राजा साहब का समय सुनिश्चित था, राजपाठ के बाद में सायंकाल राज पुरोहित आ जाते थे, वो बैठते थे अपने आसन में, गद्दी में बैठते थे, पुरोहित जी अपने गद्दी में बैठते थे, कोई ना कोई प्रसंग पुराण का निकाल के उनको सुनाते थे और वो सुनते थे, वैसे ही जैसे हम घर में बैठकर सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, वैसे ही जैसे अवसरगत हम विभिन्न प्रकार के कर्मकांड की प्रक्रियाएं करते हैं, तो हम उसको एक प्रतिपूर्ति के रूप में कर लेते हैं कि एकादशी है तो आज ये कथा सुन लेते हैं, पूर्णिमा है तो ये कथा सुन लेते हैं। ऐसे ही उनका अनवरत जीवन चलते रहा, बड़े धर्मज्ञ कहलाते थे, चारों तरफ चर्चा भी थी, आज तो मंगलवार है, आज उनके यहाँ ये चल रहा होगा, आज फलाने दिन ये चल रहा होगा, सब सुनते थे। अचानक एक दिन राजा साहब ने वर्षों बाद कथा सुनते सुनते वो वृद्ध हो गए और सुनाने वाले भी वृद्ध हो गए। उनसे एक दिन प्रश्न किया कि पंडित जी आप मुझे कथा कितने दिनों से सुना रहे हैं? बोले महाराज 30-35 साल हो गए। बोले देखो आप भी वृद्ध हो गए, मैं भी वृद्ध हो गया, तो इस 35 साल में मुझे क्या फायदा हुआ और आपको क्या फायदा हुआ? यदि धन आपका फायदा है तो धन आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन मुझे क्या प्राप्त हुआ? इस कथा से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? आप तो कहते हैं ना, एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतर भवित पुण्यम तदामेव भागवतम लभित। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की याद इतनी देर सुन लो तो जीवन मुक्त हो जाता है। तो क्या हुआ? ना आप मुक्त हुए ना मैं मुक्त हुआ, तो फिर ये कथा क्यों सुनाते रहे? पंडित जी प्रश्न चिन्ह में बैठ गए। पंडित जी ने कहा, जब उनको विचार मग्न देखा तो उन्होंने कहा अब आप इसका उत्तर दे दीजिए मुझे। यदि आपने इसका उत्तर 7 दिवस में मुझे नहीं दिया तो पंडित जी आप अपने घर में, मैं अपने घर में, अब कथा नहीं सुननी। कथा पंडित जी घर आए, बड़े दुखी थे। उनका किशोर अवस्था के पुत्र ने देखा कि आज पिताजी बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। पिताजी क्या बात है? संस्कारी परिवार था, ज्ञानी लोग थे। उन्होंने कहा बेटा अब एक हफ्ते के बाद हमारी रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी, क्योंकि काम मेरा बंद हो जाएगा। बोले क्यों? बोले राजन ने पूछा है कि ना आप मुक्त हुए ना मैं मुक्त हुआ इस बंधन से, तो फिर कथा सुनने का, भगवान संकीर्तन करने का, ईश्वर नाम के चिंतन करने का, आत्म चिंतन करने का क्या लाभ हुआ? इसका क्या उत्तर दूं? पुत्र मुस्कुराया। पुत्र ने कहा ध्यान रखिएगा, युवा अवस्था भी जो है एक व्याधि है। चार व्याधियों में एक व्याधि युवा अवस्था है। व्याधि युवा अवस्था है।
दूसरी व्याधि आसक्ति है, तीसरी व्याधि रोग है, और चौथी व्याधि अभिमान है। हाँ हाँ, युवा अवस्था भी व्याधि है। अगर युवावस्था में आप सृजनशील नहीं रहे तो समस्या ही समस्या ओढ़ लोगे आप। तो युवावस्था में हम लोग तो सोचते हैं युवा है आनंद, अरे भाई व्याधि है, उसका उपयोग करो ठीक से। ठीक बात है, आप समझिए। तो अब बच्चे ने कहा पिताजी इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। बोले क्यों, वो तो मेरे को ही देना है, अगर मैं नहीं दूंगा तो तुम, बोले वो कहेंगे तुमने उत्तर नहीं दिया। बोले नहीं, आप तो कहना है इसका उत्तर तो मेरा बेटा भी दे देगा, छोटा प्रश्न है, आप चलिए। दूसरे दिन राजदरबार में पंडित जी जो है अपने पुत्र के साथ पहुंचे। तेजोमय पंडित जी, तेजोमय युवा उनका पुत्र। राजा साहब ने कहा प्रश्न का उत्तर मिला? बोले हाँ, बोले ये तो छोटा प्रश्न है, मेरा पुत्र बता दे। पुत्र से उन्होंने कहा कि भाई बताओ। बोले मेरी एक शर्त है, अगर आपको ये जानना है कि बंधन और मुक्ति क्या है और अब तक आप मुक्त क्यों नहीं हो पाए या ये क्यों नहीं मुक्त हो पाए, तो इसके उत्तर के लिए आपको मेरी शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा माना, बताओ क्या शर्त। उन्होंने कहा मुझे एक घड़ी के लिए राजा घोषित कर दीजिए। घड़ी को ऐसा ले लीजिए, एक दंड समझ लीजिए, 2 घंटे के लिए राजा बना लीजिए, सब मेरी आज्ञा में चले, आप राजा नहीं रहेंगे। बोले ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर पाना है। उनने सभी सभासद बैठे थे, उनने कहा सुनो आज से ये राजा 2 घंटे के लिए, इसके आदेश मानो। वो तुरंत राज सिंहासन में जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा सुनो, ये जो पंडित जी हैं इनको और ये जो राजा साहब हैं इनको, दोनों को बांध दो। बोले रस्सी से। अब उन दोनों को रस्सी से बांध दिया गया, राजा गया है, दोनों बंद के बैठ गए। जब बंद के बैठ गए तो उन्होंने राजा साहब से कहा आप इनके बंधन खोलो। उन्होंने कहा मैं कैसे खोल सकता हूँ, अरे बोले बुलाओ किसी को। अरे बोले मेरे कौन सुनेगा, मैं थोड़ी अब राजा हूँ, मैं तो बंद गया हूँ। उन्होंने अपने पिता की ओर देखा, उन्होंने कहा आप इनकी मदद करिए राजा साहब की बंधन खोलिए। अरे बोले मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे मदद करूँगा। तो राजा साहब से कहा आप इनकी मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बोले चूंकि मैं बंधन में हूँ। बोले आप इनकी मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बोले चूंकि, तो बोले यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो उन्होंने कहा आप समझाइए। उन्होंने कहा जो बंधन में स्वयं पड़ा हुआ है वो मुक्त कैसा होगा। ठीक बात, को आशीर्वाद हो, कौन बंधा हुआ है, विषयानुरागी। आप लोग कथा तो श्रवण कर रहे हैं लेकिन इस कथा को आत्मसात नहीं कर रहे हैं ना, अपने जीवन में लेने के लिए। ये धन लेकर अपने घर चले जाते हैं आप, जो है मन में अच्छा कथा हुआ सुनकर चले जाते हैं, आपके जीवन में आचरण में नहीं आता। तो हमारे यहाँ जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि भौतिकता जीवन में है, वो रोज कस रहे हैं अपने आप को, रोज बांध रहे हैं अपने आप को। तो लोगों ने कहा साहब बंधन ये तो बंधे हुए हैं, ये क्यों बंधे हुए हैं, इनमें बंधन कहीं नहीं है। आप ध्यान रखिए, एक मिट्ठू है, उसको खूब सीताराम राधे श्याम सिखा दीजिए, सिखा दिया आपने, देखिए बंधन मुक्ति का कितना सुंदर दृष्टांत वेदोक्त मिलता है, वेद कथाओं में, बोध कथाओं में, वेद की से सूक्ति में, वेद के संवादों में इनके उत्तर निहित हैं। तो उसको बांध दिया। अब वो बड़ा प्रेम से पहले बोल रहा है सीताराम राधे श्याम सीताराम, और लोग बोले क्या मिट्ठू है साहब सीताराम राधे श्याम बोल रहा है। अच्छा, एक बिल्ली दौड़ी उसको पकड़ने के लिए, तो जैसी बिल्ली दौड़ी पकड़ने के लिए तो वो सीताराम राधे श्याम नहीं बोल रहा है, टाए 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 बोलते हुए भग रहा है वो। तो वो हो ये रहा है कि सीताराम राधे श्याम का अभ्यास तो रोज करा रहे हैं, लेकिन जब भी आपके जीवन में बिल्ली आ रही है विषयों की, तब आप टाए टाए करते हुए बैठते हैं, तब तो आप सीताराम राधे श्याम नहीं कहते ना, तब आप अपनी वो बोली बोलते हैं विषया शक्ति वाली जो बोलनी चाहिए। बहुत सुंदर बात है, और यही वो विराम बिंदु है जहाँ इस बातचीत को हम विराम देते हैं। बहुत सुंदर बात ये है कि हम स्वांग यहाँ करते हैं, हम खुद बंधनों से बंधे हुए हैं, लेकिन हम स्वांग ऐसा करते हैं कि हम बंधनों से मुक्त हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। क्या हम मुक्त होना भी चाहते हैं, या हमारी नियति विषय रूपी उस बिल्ली की तरह पीछा पड़ने पर कराहने की है, जैसा वो मिट्ठू का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। समय आने पर नाना प्रकार के ज्ञान का आडंबर और स्वांग हम करते हैं, लेकिन मुक्ति से हम मुक्ति की तरफ बढ़ने की जो इच्छा है हमारी, वो है ही नहीं।
प्रवचन को सुनते हुए, सत्संग को सुनते हुए, हमारी आसक्ति किसी ऐसे उपाय पर है जिसको इस भौतिक जगत में हमने देखा है और अनुभव किया है। जैसे चिकित्सक के पास जाने पर, रोग बताने पर औषधि उसका लिख देना और उस औषधि का मेडिकल स्टोर से मिल जाना और आपका निश्चिंत होकर घर आ जाना कि चलो साहब यहाँ कहीं कोई ईश्वर बीच में नहीं है, आपको लगा कि चिकित्सक ही ईश्वर है, औषधि लिख दी, हमें सिर्फ इतना करना है। हम चिकित्सक तक गए, उसने नब्ज पकड़ी, कुछ जांचें लिखी और एक गोली दे दी है, भैया अब ये ठीक हो जाएगा। मुक्ति के लिए ऐसी कोई गोली न कभी बनी है संसार में, न बन सकती है, क्योंकि ईश्वर ने या प्रकृति ने या इस संसार में कुछ चीज़ें जो हैं मुक्ति मार्ग की, उनके लिए गहन साधना का निर्माण स्वतः हुआ है। और उस साधना के मार्ग पर चले बिना आप कोई पैरासिटामोल की गोली खाकर मुक्ति के अनुभव को कभी हासिल नहीं कर सकते। आप कितना भटकें, कितने प्रवचन सुनें, कुछ ऐसे गुरु भी आपको मिल सकते हैं जो गोली आपको खिला देंगे और कहेंगे इस गोली को ही खा लो, मैं समझ गया तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, तुम नहीं हो पाओगे मुक्ति की तरफ, तुम तो मेरा पीछा करो। आप पीछा ही करते रह जाएंगे, क्योंकि मुक्ति जैसा बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपना बुद्ध स्वयं होना है, ये भी पढ़ी हुई बात है, भगवान जाने सत्यता क्या है, सत्यांश क्या है, और उस सत्य को जितना मुझे ढूंढना है उतना ही आपको ढूंढना है। आप सन्मार्ग पर चलेंगे, सत्संग सुनेंगे तो आपकी राह आसान होगी, थोड़ी आसान होगी, और गहरे डूबेंगे तो कुछ अधिक आसान होगी, और निमग्न होते जाएंगे तो और आसान होती चली जाएगी, लेकिन मार्ग आप ही को ढूंढना तो ढूंढिए, और इधर उधर रस्सी में बंधे हुए वैसा स्वांग मत करिए कि मैं भी बंधा हूँ, मैं इन्हें कैसे मुक्त करूँ, वो कहे मैं भी तो बंधा हूँ, मैं इन्हें कैसे मुक्त करूँ। वाह आनंद आ गया, गोस्वामी जी प्रणाम करता हूँ, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।